नमस्कार। आज हम बनाएंगे बहुत ही स्वादिष्ट मिक्स वेज। मिक्स वेज बनाने के लिए हमें चाहिए पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, गाजर, ग्रीन बीन्स, बीज निकले हुए टमाटर, फूल गोभी, फ्रोज़न मटर। सभी को सब्जियों को मैंने अच्छे से धो के कट करके लंबी फाक में कट कर लिया है। इसमें हम डाल रहे हैं आलू। आलू भी हमने रॉ आलू लिया है, इसे अच्छे से छील के धो के लंबाई में कट कर लिया है। चीज़ ले रही हूँ मैं आधा कटोरी ग्रेट करके। इसमें हम डालेंगे एक चम्मच जीरा, खड़ा जीरा, नमक लेंगे टेस्ट के अनुसार, धनिया का पाउडर लेंगे दो चम्मच, अमचूर पाउडर या चाट मसाला लेंगे एक चम्मच, एक चम्मच लेंगे हल्दी का पाउडर, तीन हरी मिर्च लेंगे बहुत ही बारीक कटी हुई, अदरक लिया है कूट के, इस साइज का अदरक लिया है। इसमें हम डाल रहे हैं कश्मीरी लाल मिर्च एक चम्मच। तो सब्जी बनाना शुरू करते हैं। कढ़ाई में एक चम्मच तेल गर्म करने रख लेंगे, फ्लेम इसका हम मीडियम रखेंगे। सबसे पहले डाल देंगे जीरा, खड़ा जीरा, हरी मिर्च डाल देंगे बारीक कटी हुई, अदरक डाल देंगे कूटा हुआ। अब इसमें हम डाल देंगे एक छोटा सा प्याज, अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो प्याज स्किप कर देंगे। इसे हल्का सा भून लेना है। अब इसमें आलू डाल देंगे और अच्छे से इसे हमें भून लेना है। इसे ढक के पकने देंगे एक मिनट के लिए। आलू हमने कच्चा लिया था इसलिए इसे हमें ढक के थोड़ा सॉफ्ट कर लेना है आलू को। एक मिनट हो गया है, आलू भी थोड़ा सॉफ्ट हो गया है। अब इसमें सूखे मसाले मिला लेंगे, एक चम्मच हल्दी पाउडर, दो चम्मच धनिया का पाउडर, एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, अमचूर पाउडर एक चम्मच, नमक डाल लेंगे टेस्ट के अनुसार और सभी को अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें सभी सब्जियों को डाल लेंगे, फ्रोज़न मटर, टमाटर, फूल गोभी, पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, गाजर, ग्रीन बीन्स और सभी को अच्छे से हमें भून लेना है मिलाते हुए। मीडियम फ्लेम पे हमने सब्जी को अच्छे से भून लिया है और ये तैयार हो चुका है। गैस बंद कर लेंगे। बारीक कटी हुई धनिया पत्ती डाल लेंगे। मिक्स वेज बनके तैयार है, निकाल लेंगे बाउल में। हल्का सा चीज़ डाल लेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप इसे मेरे इंस्टाग्राम पेज जायका विद कुलेश पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।